पुलिया के नीचे बनने वाली सड़क का काम हुआ तेज। आपको बता दें कि इस रोड के बन जाने से बहुत से लोगों की सुविधाएं होगी, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी रोड है जिससे लोगों का समय बचता है। वहीं अगर लोग रेलवे पुल से होते हुए आते हैं तो उन्हें काफी समय लगता है, जबकि इस पुलिया के रास्ते से लोगों का समय बचता है, इसलिए ज्यादा लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे जीएम के आने के दौरान इस रोड की मांग होती रही थी। वहीं रोड का निर्माण भी तेज हो गया, लेकिन कुछ समय से रोड का निर्माण बंद पड़ा हुआ था, जो एक बार फिर से शुरू हो गया। वहीं रोड बनाने वालों का कहना है कि 2-3 दिन में ही यह रोड कम्प्लीट हो जाएगी। इसमें कैसे काम किया जा रहा है? इस पर पूरी रोड की चलाई करके उसके ऊपर स्लीपर बिछाए जा रहे हैं, उसके बाद इसका काम डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि पानी में बारिश में प्रॉब्लम ना आए पब्लिक को। तो डामरीकरण भी होगा? डामरीकरण भी होगा और क्रॉन्क्रीट भी होगा। अच्छा, सीसी के बाद में फिर डामर होगा। परमानेंट काम होगा, जिससे आपको कोई पब्लिक को कोई बरसात में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो कीचड़ की स्थिति बनती कीचड़ की स्थिति खराब बंद हो जाएगी, जो खराब स्थिति थी अब सही हो जाएगी।